गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 7th में आज हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है, ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड। स्टेप्स का मतलब पैडियां, इनसाइड अंदर की तरफ। ए मंकी सिटिंग एट द एट टॉप मोस्ट स्टेप, इनकी जो एक मंकी है वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पैडी पर बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज द 9th स्टेप, और जो पानी है वो 9th स्टेप्स पे है, इनकी 9वीं पैड़ी पर है। अब फिर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, देखिए इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर कि यहाँ पर हो गया स्टेप्स बनाते हैं, ये फर्स्ट स्टेप्स है, यहाँ पर मंकी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ और ये 9th। यहाँ पर मंकी है और यहाँ है वाटर, ओके। ये 9 स्टेप हो गई, पैडियाँ हो गई, और फर्स्ट स्टेप पे मंकी है या नीचे की तरफ है वाटर अपना। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ही जंप 3 स्टेप डाउन देन जंप बैक 2 स्टेप, इनकी एक बार जंप करता है 3 स्टेप डाउन आ जाता है, अगेन जंप करेगा 2 स्टेप अप हो जाता है। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो बताओ कितने जंप्स में वह वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए 1 जंप में 3 स्टेप्स डाउन आता है। चलो हम यहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर है मंकी, फर्स्ट जंप किया उसने, फर्स्ट जंप में 3 स्टेप्स डाउन, इनकी 1 2 3 यहां पहुंच गया 1 जंप। सेकेंड जंप में 2 स्टेप्स अप हो जाते हैं, 1 2 यहाँ पर पहुँच गया, कितने जंप हो चुके हैं 2 जंप यहाँ पर पहुँच गया। थर्ड जंप में फिर 3 स्टेप डाउन जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर पहुँच गया, 3 जंप हो गए। फोर्थ जंप में 2 स्टेप अप, 1 2 यहाँ पहुँच गया। फिफ्थ जंप में फिर वापस नीचे, फिफ्थ 1 2 3 यहाँ पहुँच गया। सिक्स्थ में अप, 1 2 यहाँ, सेवंथ में फिर डाउन, 1 2 3 यहाँ आ गया। एट्थ में फिर अप, 1 2 यहाँ पर पहुँच गया। नाइन्थ में फिर डाउन करता है, 1 2 3 यहाँ पहुँच गया, और टेंथ में अप करता है, 1 2 यहाँ पहुँच गया। इलेवंथ में फिर डाउन करता है, 1 2 3 यहाँ पहुँच गया, तो इलेवंथ जंप में यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ क्या है, वाटर लेवल, तो वाटर लेवल पर पहुँचने के लिए कितने जंप्स लगाने पड़े उसे, 11 जंप। ध्यान रखना कितने जंप हो गए, 11। एक बार वापस से काउंटिंग करवाऊं, फर्स्ट जंप 1 2 3 यहाँ पहुंचा, सेकंड जंप 1 2 पर पहुंच गया, यानी कि डाउन तो 3 स्टेप और अप 2 स्टेप। थर्ड जंप 1 2 3 यहाँ आ गया, फोर्थ जंप यहाँ पहुंच गया, फिफ्थ जंप यहाँ आ गया, सिक्स्थ जंप यहाँ पहुंच गया, सेवंथ जंप 1 2 3 यहाँ आ गया, एट्थ जंप यहाँ पहुँच गया, नाइन्थ जंप 1 2 3 यहाँ आ गया, टेंथ जंप 1 2 यहाँ पहुँच गया, इलेवंथ जंप 1 2 3 पहुँच गया, और यहाँ वाटर लेवल है। तो कितने जंप्स हो गए बेटा, 11 जंप्स। सेकंड करते हैं, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, पानी पीने के बाद वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन 2 स्टेप बैक डाउन एवरी मूव्स, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक। अब वाटर पीने के, पानी पीने के बाद में वो वापस जाना चाहता है, और किस रूप से जा रहा है कि 4 जंप अप एंड 2 जंप डाउन,
तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, फर्स्ट जंप करेगा तो जंप फर्स्ट 1 2 3 4 यहां पर पहुंच जाओ, जंप सेकंड 1 2 वापस आ, थर्ड जंप 1 2 3 4th यहां पहुंच गया, फिफ्थ जंप में 1 2, सिक्स जंप लगाता है 1 2 3 4th यहां पर पहुंच, तो ऊपर तो और टॉप मोस्ट पहुंच गया, वापस क्यों आएगा, तो कितने जंप हो गए, सिक्स जंप, तो सिक्स जंप में वो एट द टॉप पहुंच जाता है, रीच हो जाता है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ If the number of steps moves down is represented by negative integer and the number of steps moves up by positive integer, represent this moves in part first and second by completing the followings. देखिए अगर वो स्टेप्स मूव्स डाउन डाउन की तरफ जाता है तो नेगेटिव और अपसाइड जाता है तो पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको कंप्लीट करना है आपको, इसको कंप्लीट करना है, ए है इसका -3 + 2 फिर माइनस ब्लैंक और आंसर आ जाता है -8। सॉल्यूशन करते हैं भाई, -3 + 2 फिर नेगेटिव में -3 + 2 -3 + 2 यानी कि रिजल्ट क्या निकालना है आपको, -8 लाना है, तो ये कंप्लीट बनाना है ब्लैंक्स को, कहाँ तक जाएगा ये ब्लैंक्स, देखो -3 + 2 1 कितना आंसर आया 1, फिर 1 यहाँ से आ जाएगा, 1 यहाँ से आ -3 और आगे चलते रहो, -4 -5 -6 -7 -8 अब इसका आंसर बन गया है -8। देखो इन दोनों को सोल्व किया -1 आया, इन दोनों को सोल्व करने पर -1 -1 -1 -1 इस प्रकार से 8 टाइम्स हो गए, तो ये हो जाएगा अपना ब्लैंक पार्ट, इसका बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट है 4 - 2 ब्लैंक इक्वल टू 8, पॉजिटिव 8 आना चाहिए, तो 4 - 2 यानी कि यहाँ से कितना आंसर आया +2 ऐसे ही और आगे चलते रहो, +4 - 2 4 हो गए, +4 - 2 6 हो गए, +4 - 2 तो आंसर हो गया 8, ये हो जाएगा आपका ब्लैंक पार्ट।